पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का आरोपी सागर सिंह को गवाही के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोडरमा जेल से लाया गया। धनबाद कोर्ट एडीजे 16 न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में किया गया हाजिर। सागर सिंह की तबीयत बिगड़ी, मंडल कारा धनबाद के चिकित्सक ने की जांच। सागर सिंह के अधिवक्ता साधन राय ने बताया उनके मुवक्किल सागर सिंह उपरोक्त कांड में किस प्रकार से निर्दोष है ये बताने के लिए पिछले दिनों न्यायालय में पेटिशन दाखिल किया गया था, जिसके आलोक में आज न्यायालय के आदेश पर सागर सिंह को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जबकि कोडरमा से धनबाद लाने के क्रम में सागर की तबीयत बिगड़ी, स्थिति चिंताजनक, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं। साधन राय ने बताया सागर सिंह के समुचित इलाज के लिए न्यायालय में दिया गया है आवेदन। अधिवक्ता जावेद खान ने मीडिया को बताया कि नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर सागर सिंह की स्थिति स्पष्ट दिख रहा है कि वो बीमारी से ग्रसित है। माननीय न्यायालय के समकक्ष में डॉक्टर को बुलाया गया है। यहां कोर्ट में डिस्पेंसरी से तब्दील हो गया है, जहां जांच की गई है, जबकि स्थिति ऐसी है कि सागर सिंह कुछ भी बोलने के लिए सामर्थ्य नहीं है। सागर सिंह कई बार VC के माध्यम से अपने बीमारी का न्यायालय के समक्ष जिक्र किया गया है। नीरज हत्याकांड में सागर सिंह को लाया गया, क्या कुछ न्यायालय का आदेश हुआ है? एक्चुअली हम लोग जो है 315 का एक आवेदन दिया था CRPC में कि अभियुक्तगण खुद अपना गवाही देना चाहते हैं, उनको आज गवाही हेतु यहाँ लाया गया था। परंतु कोडरमा जेल में ये अभी इनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोडरमा जेल में शिफ्ट किया गया है, वहाँ से सवेरे 6 बजे निकाला गया है, लेके लाया गया है। न तो नाश्ता दिया गया, न पानी दिया गया, पूरा गाड़ी में पेट में काफ़ी दर्द है और वो कराह रहा है कोर्ट के भीतर में, ठीक है। तो वहाँ डॉक्टरों के द्वारा आके इलाज किया गया है, वो स्थिति में नहीं है कि वो अपना बयान दर्ज करवा सके, गवाही दे सके। तो डॉक्टर के द्वारा यहाँ उसको जांच किया गया, दवाई भी दिया गया, परंतु इसके बावजूद भी उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। तो अभी माननीय न्यायालय से जैसे हम लोगों की बातचीत की और जो डॉक्टर यहाँ अभी उनको इलाज किया है, उनके द्वारा बताया गया है कि इनको अभी PMCH लेके जाया जाएगा इमरजेंसी में, वहाँ टेस्ट वगैरह होंगे, फिर उनका हेल्थ कंडीशन कैसा रहता है उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई। अपना परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट KK तिवारी, इस केस में मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, कुरबान अली और सतीश उर्फ चंदन सिंह। किन की अदालत में आज जो ADJ 16 के अदालत में नीरज हत्याकांड की जो सेशन ट्रायल चल रही थी, उसमें मैं शूटर सागर सिंह को रिप्रेजेंट करता हूँ। अर्लियर मैंने एक कोर्ट में पिटिशन फाइल किया, 315 CRPC के तहत फाइल किया था, जिससे सागर सिंह ये कहना कोर्ट के न्यायालय के सामने वो अपने बोलना चाहता है कि मैं इस केस में किस तरह से निर्दोष हूँ। उस पिटिशन के आधार पर आज सागर सिंह को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कोडरमा जेल से, लेकिन आने के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते वो कुछ भी बोलने के लिए असमर्थ है। इसीलिए मैंने माननीय न्यायालय के सामने एक पिटिशन फाइल किया कि मेरा मुकिल सागर सिंह को हॉस्पिटल इमीडिएट प्रॉपर यानी PMCH भेजा जाए फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। और जो है उन्होंने पहले मेरा मुकिल सागर सिंह ने BC में भी कई बार माननीय न्यायालय को ये सूचित कर चुका कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकता है, जिसके चलते माननीय न्यायालय ने हम लोग को इसके आधार पर रखे हुए दूसरे जेल में शिफ्ट भी कर दिया। आज जो है उसको लाया भी गया कि इस परिस्थिति में लाया गया कि उनको कुछ न्यायालय के सामने वो कुछ बयान देने में ही असमर्थ है। न्यायालय के सामने आप लोग भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से छटपटा रहा है। आवेदन स्वीकार हुआ है? आवेदन का हमने आवेदन दाखिल किया, डॉक्टर साहब लोग आ गए, हाकिम जो प्रॉपर ऑर्डर करेंगे उसी ऑर्डर के आधार पर काम होगा। पूरा परिचय आपका? मेरा साधन राय, मैं एडवोकेट धनबाद न्यायालय, मैं सागर सिंह को रिप्रेजेंट करता हूँ। इस मामले को लेकर आज जो है किनकी पेशी की गई है? आज नीरज हत्याकांड में सुनवाई थी और केस जो है 4 लोगों ने जो है आरोपियों ने जो है अपनी गवाही खुद को कोर्ट में जाने के लिए आवेदन दिया। इस न्यायालय ने 30 तारीख को स्वीकार किया था और उसी संगम में एक आरोपी सागर सिंह सिब्बू की गवाही आज हुई थी न्यायालय में, वो खुद को अपना खुद का बयान देना चाहता है और कोडरमा कारा से आज इसको धनबाद लाया गया। तो कोर्ट आने के बाद जो देखने को मिला हम लोगों को न्यायालय न्यायालय को, स्थिति बहुत ख़राब है, उसकी चिंताजनक है, बहुत बीमार है, पेट में कई घंटों से वो न्यायालय के न्यायालय कक्ष के बेड पर चढ़ रहा है, दर्द से
ऐसा पहले भी इन्होंने कर दिया, कोडरमा में था ये व्यक्ति, तब इन्होंने कई बार वीसी से भी शिकायत किया था कि जेल प्रशासन के द्वारा जेल कैंपस के अंदर उन्हें समुचित इलाज नहीं कराया जा रहा है, और इलाज का अभाव के कारण ही हमको लगता है कि इस तरह की बातें जो है हुई है। क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी करके आया है, सुबह से जैसा सुनने को मिला है कि सुबह बिना खाए पिए नाश्ता किए व्यक्ति लॉन्ग जर्नी कर रहा है, बीमार था, बीमारी के हालत में लाया गया है, स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। माननीय न्यायालय ने सारी चीज़ों को देखते हुए न्यायालय कक्ष को जो है डिस्पेंसरी बना दिया है, डॉक्टर को बुलाया गया, ये न्यायालय कक्ष में ही इलाज चल रहा है। देखिए आगे डॉक्टर क्रिटिकल होगा तो फिर क्रिटिकल को देखने से लग रहा है मरने के अंतिम सांस चले व्यक्ति का, तब क्रिटिकल कहेंगे, ऐसा नहीं। समय पर बेहतर इलाज मुहैया कराना ये दायित्व है लोगों का, हमको लगता है माननीय न्यायालय देख रहे हैं। और अगर यहाँ जो डॉक्टर साहब आए हैं उनसे उन्होंने अगर सजेस्ट किया कि नहीं इनको बहुत टेस्ट की जरूरत है, सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि पेट का मामला है, तो हो सकता है कोई आगे निर्णय उचित निर्णय न्यायालय पारित परिचय मोहम्मद यादव।